नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक व्यूज इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा मूवी, जितनी जितनी उसकी रिलीजिंग डेट नज़दीक आती जा रही है, पब्लिक उसका उतना ही विरोध कर रही है। आखिरकार ये विरोध किस चीज़ को लेकर किया जा रहा है? ट्रेलर में ऐसा क्या है जिसको लेकर जनता के बीच इतना रोष है? जिस तरीके से लाल सिंह चड्ढा को बाइकॉट किया जा रहा है, सर बैन कर देना चाहिए। क्यों बैन कर देना चाहिए? तो कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। सर मूवी से कोई दिक्कत नहीं है, बट उसने हमारे भगवान का अपमान किया, शंकर जी का अपमान किया, वो बहुत गलत है। वो हम क्यों सहेंगे? इंडिया में रहकर वो चीज़ सहेंगे हम? वो भी हिंदू, वो बिल्कुल नहीं सहेगा यहाँ पे कोई। मुझे नहीं लगता कि वो मूवी देखनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि उसने ये बोला है कि मुझे भारत में डर लगता है। पहले अभी ये बोलता है कि अब महसूस हो रहा है, पहले डर लगता था, तो फिर मतलब क्या है इसका? नहीं, वो तो कह रहे हैं लगातार मेरी मूवी देखिए, मैं देश से प्यार करता हूँ। सर उन्होंने ये भी बोल, उनकी वाइफ बोली मुझे डर लगता था, अब मुझे महसूस हो रहा है। क्या मतलब है इसका? फील नहीं करती मैं यहाँ पर रह के, मेरे को अच्छा फील नहीं होता। हाँ तो मैं आ गा रहे हो, पहन तो मैं आ गा रहे हो, सब कुछ आ कर रहे हो, फिर डर किस चीज़ का? सर मुझे ये समझ, उनकी वाइफ से ये पूछना चाहिए कि पहले आपको क्यों डर लगता था और आप क्यों महसूस हो रहा है, ये चीज जाननी चाहिए ना। कंगना रनौत ये कह रही है कि वो खुद करा रहे हैं बायकॉट जिससे मूवी और ज्यादा देखी जाए। कंगना रनौत मैं क्या ही बोलूं उनका, ठीक है। कंगना रनौत जो भी है वो सबकी वाट लगाती रहती है, उसको भी टीआरपी चाहिए अपनी। अरे भैया ये गलत है, वो गलत है, उसको भी अपनी टीआरपी चाहिए अलग अलग कि मुझे लोग देखें। और अभी उसका सीन हुआ है, अभी कंगना रनौत को सब 1 मिलियन अभी उसके हो जाएंगे एक मिनट में। तो वो सब अपनी टीआरपी बटोरते रहते हैं, कभी सलमान खान कुछ बोलता है, कभी कोई कुछ बोलता है। अभी अभी इस मूवी की बात चल रही थी, पीछे लोग बात कर रहे थे ओएमजी की, मैंने अब ओएमजी कहाँ से आ गया? तब जब 4 साल पहले पीके मूवी रिलीज हुई थी तब किसी का मुंह नहीं खुला। सर आप सब बोल रहे हैं खुल के, तब तो तुम 500 रुपए के बाद 3-4 साल बाद सो के उठते हैं कि नहीं आप बोलेंगे हम जब सो जाते हो। मैं भी हिंदू हूँ, ठीक है, मैं भी हिंदू हूँ, बट 4 साल पहले जब सबने 500 रुपए की मूवी देखी है तब किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, बट अभी इनको सबको दिक्कत है कि नहीं अब ऐसा कर दिया हमारे भगवान का अपमान। 4 साल पहले शंकर भगवान नहीं थे, 4 साल पहले कोई भगवान नहीं थे, अब भगवान नए बन गए हैं क्या? तुमको ये देखना चाहिए 50% जो मैं भी हिंदू, 50% हिंदू सो रहे थे उस टाइम पे। उस टाइम पे तुम लोग 4 साल से पहले तुमने कुछ नहीं बोला, अब तुम सब पोस्टर ले लेके हंगामा कर रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं है। बाकी ये बात भी है कि आमिर खान को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि वो ये बोलता है मुझे भारत में महसूस ही नहीं होता। क्यों कर देना चाहिए बैन? इसलिए कर देना चाहिए इंडिया को, उसने गलत बोला है कि यहाँ पे मुझे महसूस नहीं हो रहा। क्या महसूस नहीं हो रहा तेरे को? खा तू यहाँ कर रहा है, पहन तू यहाँ कर रहा है, सब कुछ यहाँ कर रहा है, तो फिर किस चीज़ का तो डर लग रहा है? मुझे ये समझ में नहीं आया, बट ये चीज़ बहुत गलत बोली है उसने, उसको बैन कर देना चाहिए। मुझे लगता है मूवी आनी भी नहीं चाहिए अगर ऐसा तुम बोल रहे हो, हमारे भारत से ही खा रहे हो। और लाल सिंह चड्ढा पंजाबी लुक दिखाया है उसका, हिंदू का ही तुम लुक कर रहे हो, तो फिर क्यों कर रहे हो? मतलब ही नहीं बनता ना। अभी जो सिख लोग होंगे ना वो तो और ड्रामा करेंगे, क्योंकि उनके उनकी तुम पगड़ी पहन रहे हो और उन्हीं का अपमान कर रहे हो कि नहीं हमें ऐसा किया जाएगा। देखो अभी जब तक पिक्चर देखते नहीं हैं उसमें कोई ऐसा कंटेंट है जो काबिले एतराज़ है, तब तो सब कुछ सबको ही करेंगे, तब तो मैं भी इन बहनों के साथ ही मिल जाऊंगा। नहीं सर मूवी की बात नहीं कर रहे हम मूवी का, हम आमिर खान का बोल रहे हैं, आमिर खान को बैन कर देना, मूवी से कोई दिक्कत नहीं है हमें। यही मैं इसी बात पे बिल्कुल मैं प्रशंसा करना चाहता हूँ मैडम की, कि उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। सर देखो वो सारी चीजें ठीक है, बट उनको 4 साल पहले बोलना चाहिए था। अभी 100-100 के उठ उठ के तुम घर से आ रहे हो, अभी स्टेटमेंट दे रहे हो, और जो ये बोले ना भाई हम मूवी नहीं देखेंगे, वो सबसे पहले पहुंच जाएंगे। नहीं मैं तो देखूंगा मूवी। आप देखने जाएंगे? नहीं जाएंगे। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, मेरे भगवान का अपमान किया मैं क्यों देखने जाऊं? तू पल हमारी वजह से रहा तो हमें ही बोल रहा है कि नहीं मुझे यहाँ पे महसूस नहीं होता। अच्छा तो यहाँ मत रहना भाई, अपने मुल्क निकल, जहाँ से आए तू पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान जा अफगानिस्तान से। लगता है वो पाकिस्तान से आए, वो तो कह रहे मैं हिंदुस्तानी हूँ यहीं पे रहता हूँ। वो ही आमिर खान है जिसका इंतजार रहता था कि कब उसकी मूवी आएगी और लोग थिएटर में देखने के लिए। अभी मेरे पापा के भी फेवरेट है आमिर खान, बट अभी से जब से उन्होंने ये देखा ना ये सब ड्रामा चला, उन्होंने भी मना कर दिया। मैंने भी उनको यही बोला था कि आप 4 साल पहले सो रहे थे। तो जनता विरोध कर रही है, लगातार विरोध हो रहा है, उसके आप पक्ष में है या उसका विरोध करते हैं? मैं तो दोनों, मैं दोनों का विरोध कर रही हूँ, क्योंकि 4 साल पहले पब्लिक भी सो रही थी तब उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, फर्क इन्हें अब पड़ रहा है। ये चीज बहुत गलत है सर, आमिर खान को तो बैन कर देना चाहिए। आमिर खान को ही बैन कर देना, बिल्कुल, क्योंकि उससे हमारा देश पसंद नहीं। भारत से अच्छा देश कौन सा होगा, लोग तरसते यहाँ पे आने के लिए। बिल्कुल जिस तरीके से उसमें कह रहे हैं कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स और भी बहुत सारे जो लोग हैं उसमें, जो कास्टिंग डायरेक्टर है और भी बहुत सारे कास्ट किए गए हैं जो आर्टिस्ट हैं, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? उनकी तो मूवी फ्लॉप हो जाएगी। जो ये बोल रहे हैं ना, वो करीना कपूर बोल रही थी कि नहीं सर जिसको देखने देखो, नहीं देखने मत देखो, तो तुम बाहर में जाओ। दूसरे दिन अभी कल की, मेरे आई थिंक कल की बात है ये, वो ये आमिर खान इमोशनल होके बैठे, मेरी मूवी देखो प्लीज, बायकॉट मत करो। अबे तुझे रहना भी है नहीं भी रहना, यार रह क्यों रहे तू? हिंदुस्तान का नहीं तो मत रहे। करीना कपूर खान ने तो कह दिया ना कि मत देखो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। करीना कपूर ना 4 दिन बाद ना वो रोड पे आ जाएगी, क्योंकि हम उसे खाने के लिए दे रहे, वो हमें नहीं दे रही, हम उसे दे रहे हैं। 500 रुपए की मूवी हम दे
मेरी, तो ये है कि वो भी उसका जो सबसे ज्यादा भड़क में लोग इसलिए आ गए हैं क्योंकि उसने ये बोला है ना कि जिसको देखने देखो, नहीं देखने मत देखो। सबसे ज्यादा लोग इसी भड़क में आ रहे हैं कि इसने इतनी ऐड से बोला, क्योंकि दो दिन बाद तो माफी भी मांग रहे हो, ये भी बोल रहे हो प्लीज देखो प्लीज देखो। फाइनेंसर का फोन आ गया होगा रात को कि भाई अभी मूवी रिलीज नहीं होगी तो माफी मांग लो, लोग देखने जा रहे। टीआर भी बटोर रहे हैं अपनी अपनी सब, वो करीना कपूर कभी, कंगना रनावत कभी, सलमान खान कभी, कोई कुछ कुछ बोलते ही रहते हैं, वो सब टीआर भी बटोर रहे हैं खुद को दिखाने के लिए। बस ये चीज है, ये सब आपस में भिड़ जाते हैं, फिर एक दिन आपस में कमरे में पार्टी करते हैं, इनका यही ड्रामा है। ये अगर हिंदू धर्म पागल कौन बनती है पब्लिक, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये चीज बहुत गलत है, 4 साल पहले विरोध करना चाहिए था, अभी सर विरोध करने से कोई मतलब नहीं। मूवी जिसको देखनी है देखे, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो उन्होंने भगवान का अपमान किया वो सर यहाँ पे कोई नहीं सहेगा। बट यहाँ पे भी सब सो रहे थे, हिंदू सब सो रहे थे कि 4 साल पहले बोल देना चाहिए था। ये चीज है, इनको पहले बोलना चाहिए था। अभी अपने टीआरपी बढ़ा रहे हैं सब, फिल्म स्टार भी काफी सारे बोल रहे हैं इस बारे में, वो भी अपनी टीआरपी ले रहे हैं, यहाँ पे भी सब यही कर रहे हैं कि नहीं मूवी अच्छी थी, ये थी। उस कुछ टाइम उसको बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं, जब कुछ टाइम हो जाता है लोग उसके बारे में भला बुरा बोलने लगते तो साथ में वो भी बोलने लगते कि हाँ ये बुरा है वो बुरा है, हर कोई बोलता है। जब मूवी देख कर आता तब कोई कुछ नहीं बोलता, कुछ टाइम तक हाँ बहुत ठीक है बहुत ठीक है, फिर चार को और बताते तू भी देख कर बहुत अच्छा लगा मूवी देख करके, ठीक है अच्छा था ये था वो था, सब कुछ अच्छा अच्छा बोलते हैं। जब 2-4 बंदे वहाँ पे दिख जाते बुराई कर रहे हैं तो फिर उनको भी साथ में बुराई कर। जब वो स्टिकर वाला जो रोल था ना मेट्रो में लेके जा रहा था, सिनेमा हॉल में कुत्तों की तरह हंस रहे थे सब, कुत्तों की तरह सारे हंस रहे थे, तब उनको नहीं दिखाई दे भगवान है, अब तुम्हें नया भगवान दिखाई दे रहा है, भगवान जी के नए पैदा हो गए, तब भगवान नहीं थे 4 साल पहले, तो तुम्हें तब बोलना चाहिए था। अभी जो तुम अपनी टीआरपी बटोर रहे हो वो तुम बहुत घटिया हो, फिर तुम बहुत ज्यादा घटिया हो। और दूसरी बात ये है ना कि ये जो भगवान का अपमान किया है वो हिंदू के सो रहे थे पहले, तब उनको कर लिए, जब वो स्टिकर लगा रहे सिनेमा हॉल में सब दांत दांत फाड़ फाड़ के हंस रहे, क्यों हंस रहे हो मत हंसो ना फिर, अब तुम्हें बुरा लग रहा है। अब ये लोग ये वही लोग बोल रहे हैं जो जिनको मतलब ये बोल रहे हैं किस तरीके से, वो सुन लिया मैंने किस तरीके से विरोध किया जाएगा, आप किस तरीके से विरोध करना चाहेंगे इस मूवी? मैं इस तरीके से विरोध करना चाहती हूँ, मूवी तो देखी नहीं है, मूवी का कोई विरोध मतलब आप भी देखोगे? सर सुनो सुनो सुनो, हम मूवी का कोई विरोध नहीं कर रहे, हम आमिर खान घूम फिर कर वहीं पर आ गई कि इतने बाइकॉट के बाद लोग देखेंगे जरूर, और देखेंगे तो बिजनेस होगा। मैं देखूंगी, मेरे को नहीं देखनी। मैम एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, वो एक्टर है गलत बोला आपको, उनकी कमेंट अच्छा नहीं लगा, ठीक है ठीक है, अगर ये नॉर्मल इंसान कोई होता तो आप क्या करते? नॉर्मल हिंदू थोड़ी कुछ की बोलेगा, हिंदू क्यों बोलेगा, मुझे हिंदुस्तान पसंद नहीं है सर। तो अगर कोई नॉर्मल मुसलमान मुस्लिम भाई भी अगर ये बोल देता कि मेरे को यहाँ पे डर लग रहा है, या उसकी वाइफ बोलती, हाँ। तो क्या करते आप? तो नहीं छोड़ो मत, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम बोलो ना उस चीज को। सर किस चीज से डर लग रहा है मुसलमान को? मेरे कहने का मकसद, क्वेश्चन पूछने का मकसद मेरा ये था कि वो फिल्म एक्टर है इसलिए उसकी फिल्म बायकॉट करो, अगर आपको नहीं पसंद उसकी कमेंट नहीं पसंद तो उसके घर के बाहर धरना दो, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, चलो धरना दो। पिक्चर का उसके कमेंट से, वो भी 5 साल पहले का कमेंट, डजंट मेक सेंस। हम बेवकूफ लगते हैं यहाँ पे कैमरे में बोलते हुए कि पिक्चर बायकॉट करो, धरना करना, चलो उसके घर के बाहर धरना लगाते हैं, मेरे को भी बुरा लगता है। एक चीज, हाँ जी, आप कहते हो यहाँ पे फोटो लगाई, टैटू भी बनते हैं, बिल्कुल, फोटो और टैटू में फर्क क्या है? सर वो थप्पड़ मारने के लिए उसने मेरी चप्पल पहन के घूम रहा है, मैंने आज तक वो चप्पल अपने पैर में हाथ में नहीं पकड़ी है। आप हिंदू हो या मोमडन हो? मेरे को 500 साल हो गए हैं सरदार बने हुए, वैसे मैं हिंदू ही हूँ। आप भगवान को मानते हो? किसको किसको मानते हो? अल्लाह को मानते हो? जिसको भी मानते हो आप, जिसकी भी पूजा करते हो उसको पैर में पहनोगे? पैर को पैर में कहाँ क्वेश्चन कब पहना? चप्पल पहनी हमारे भगवान की, शिव जी की चप्पल पहनी है उसने, खड़ा हुआ जिसको, हाँ जी खड़ाऊ बोलते हैं उसको। सर तो हम हाथ में नहीं लेते सर, नहीं 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 सर, ये वो ये तो बाबा रामदेव की पूजा करते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं उसको हम नारे में चढ़ा लेते हैं। भगवान शिव को टॉयलेट तक लेके गए हैं, सुनो सुनो सुनो, तक भी लेके गए हैं। पीके मूवी में जो है, पीके मूवी आपने देखी नहीं है? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हाँ जी ये टॉयलेट में लेके गए हैं शंकर भगवान को, पीके मुंह में कुंडी मार देता है। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने दूध के ऊपर तो ऑब्जेक्शन किया कि शिव मंदिर के ऊपर दूध वेस्टेज करते हो आप, इसने कभी उसके लिए चादरों के लिए बोला? इन्होंने नहीं बोला, तो ये दोगुला जो रवैया है वो के अंदर यही रोष है कि उन्होंने सभी धर्मों के बारे में कहा, सभी हिंदू देव देवताओं के बारे में कहा, लेकिन बड़ी सफाई से अपनी अल्लाह के बारे में नहीं कहा। हाँ बिल्कुल, अल्लाह के बारे में भी कुछ बोलो ना, बोलो कुछ, दोगुला बनती वहाँ वो बिल्कुल अपने उस पे उनका कोई उन्हें तो सुन तो लो, हो सकता है मेरे को आप गलत प्रूव करो, मेरे को भी पता लगे गलती क्या है, ठीक है? आप ये कह रहे हो कि शिव जी को वो टॉयलेट में लेके चले गया, यही कहने का मतलब है? जब रामलीला होती है
उसमें जो सीता माता बनती है, जो राम और लक्ष्मण जी बनते हैं उसमें, क्या वो टॉयलेट नहीं जाते? वो एक दिखा, वो एक अलग चीज, वो नहीं दर्शाया गया है भाई साहब। एक किसी को, किसी भगवान, एक मिनट सर सुनो, भगवान को, एक मिनट सुनो सुनो सुनो, भगवान को भगाने में, भगवान को भगाने में और उनका खुद टॉयलेट जाने में टॉयलेट हम नहीं जाते, हमें कोई भगा के टॉयलेट लेके जाएगा।